हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो मुख्य चीज़ होती है, वो होती है पहला सोर्स जो होता है, और सेकंड होता है डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, सोर्स वो जगह होती है जहाँ से हमें जो वस्तुएं होती है जहाँ से भेजी जाती हैं, और डेस्टिनेशन वो जगह होती है जहाँ पर भेजी जाती हैं। तो सोर्स को हम S1 S से शो करते हैं। जैसे इसको हम S1 सोर्स है, ये S2 है, ये S3 है, और डेस्टिनेशन में मान लेते हैं, जैसे ये हमने मान लिया डेस्टिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि एक इसके इक्वली डेस्टिनेशन हो, ये डेस्टिनेशन ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि एक से कहीं भी जगह कितनी भी जगह भी सामान भेजा जा सकता है। तो डेस्टिनेशन हो गई अपने पास, जैसे इसको ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, एंड ये D4 हो गया। फिर ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशंस हैं। अब जैसे यहाँ से हमारे पास सामान भेजा जा रहा है, वो यहाँ पे भी भेजा जा रहा है, यहाँ पे भी भेजा जा रहा है, यहाँ पे भी भेजा जा रहा है, यहाँ पर भी भेजा जा रहा है। तो ये हो गया। जैसे इसके इसकी हमारे पास कॉस्ट है, वो हमारे पास जैसे हम इसको ले लें X11 है, इसकी कॉस्ट है, क्यों 1 से 1 पे भेजा जा रहा है, D1 पे। तो ये X11 हो गई, ये X12 हो गया, X13 हो गया, X14 हो गया। इस तरह यहाँ से यहाँ पे भेजा जा रहा है, यहाँ पे भेजा जा रहा है, यहाँ पे भेजा जा रहा है। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे भेजा जाए, नहीं भेजा जा सकता, हो सकता है। तो ये हो गया X21, X22, X23। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। अब इसी तरह यहाँ से यहाँ पे भेजा जा सकता है, यहाँ पे भेजा जा सकता है, यहाँ पे भेजा जा रहा हो सकता है, यहाँ पे D3 पे नहीं भेजा जा रहा हो। तो ये हो गया X31, X32, X34। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जैसे यहाँ से यहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है ना, उस कंडीशन में जैसे यहाँ से ये भैया मान लेते हैं कि ये X34 है, पर इसकी जो प्राइस है, जो भेजने का जो रेट है, वो अनलिमिटेड ले रहा है, वो अपना जो किराया है वो अनलिमिटेड किराया ले रहा है। तो वो अनलिमिटेड में नहीं लेगा इस कंडीशन में। इसी तरह यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे माना था कि यहाँ से वो इस पे नहीं भेज रहा, तो इसको इमेजिनरी मान लेते हैं। इमेजिनरी मान ले कि यहाँ भेज रहा है X24, जो कि इनफाइनाइट है। इस तरह से हमने मान लिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जैसे हम ये लिखेंगे XIJ क्या होता है, अमाउंट ऑफ मेटेरियल टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आयथ सोर्स टू जेथ डेस्टिनेशन। आई भी सोर्स से ये जे भी डेस्टिनेशन पे भेजा जा रहा है, और सी आई जे फ्रेंड्स क्या होता है? ये तो हमने वो अमाउंट है, ये अपने पास कॉस्ट ऑफ यूनिट मटेरियल, यूनिट ट्रांस सॉरी यूनिट मटेरियल टू बी यूनिट मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आयथ सोर्स टू जेथ डेस्टिनेशन, ये भेजा जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ए आई क्या है? ए आई है अपने पास, यहाँ पे कितने हमारे पास प्रेजेंट हैं, कितने हमारे सोर्स में, कितने हमारे पास जो जो भी चीज़ें हमें भेजी जा रही हैं वो हमारे पास कितनी उपलब्ध है, वो हमारे पास AI, इसी तरह ये BI, और ये A1, A2, A3, और जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको B1, B2, B3, B4। यहाँ पे अगर मतलब B1 को कितने कितनी आवश्यकता है, या B2 को कितनी आवश्यकता है, B3 को कितनी आवश्यकता है, B4 को कितनी आवश्यकता है। तो AI अवेलेबिलिटी ऑफ आयथ सोर्स एंड बी आई क्या है, डिमांड और डिमांड रिक्वायर्ड
जेथ डेस्टिनेशन, बीजे, सॉरी बीजे। फिर ये है, अब हमारे पास यहाँ पे अगर इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आई बराबर 1 2 एन, यानी यहाँ पे 3 है, तो आई बराबर 1 2 3, ए आई इक्वल टू जे बराबर 1 2 एम, यानी कि यहाँ पे 4 है, तो 4 BJ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस कंडीशन में इसको कहेंगे हम बैलेंस ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम। इस कंडीशन में होगा बी ए बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फ्रॉम फ्रेंड्स। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो बैलेंस नहीं है, उसको हम बैलेंस बनाते हैं, उसको इमेजिनरी डेस्टिनेशन या इमेजिनरी सोर्स मानते हैं, जो हमारे पास, हमें आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कब हमें इमेजिनरी सोर्स मानना है, कभी हमें इमेजिनरी डेस्टिनेशन मानना है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ आ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसका मैथमेटिकल क्या होता है, ये होता है हमारे पास मिनिमम जेड इक्वल टू आई बराबर 1 2, जो हमारा पिछला एग्जांपल था, ये एग्जांपल था, इसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो आई बराबर 1 2 2, जे बराबर 1 2 4, सी आई जे एक्स आई जे, और सब्जेक्ट टू कंडीशन जो होंगी वो होंगी हमारे पास a11 सॉरी x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 इक्वल टू, ये फ्रेंड्स यहाँ से a11 x12 x13 x14 इक्वल टू हमारे पास जो होंगी वो a i यानी a1 बराबर होंगी, ये लिख सकते हैं हम a1। इसी तरह x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24 इक्वल टू a2, x31 प्लस x32 प्लस x33 प्लस x34 इक्वल टू a3। फिर इन तीनों का सम इसके इक्वल है, इन चारों का सम इसके इक्वल है, इन चारों का सम इसके इक्वल है। अब इसी तरह यहाँ पे इन तीनों का सम होगा, यानी कि इसका x11 और यहाँ से x21 एंड x31 का इक्वल टू b1 का इक्वल होगा, तो ये हो गया x11 प्लस x21 प्लस x31 इक्वल टू b1 एंड x। इसी तरह से यहाँ पे 2 पे आने वालों के लिए, 2 पे यहाँ से x22 यहाँ से आ रहा है x12, x12 प्लस x22 प्लस x32 इक्वल टू b2। इसी तरह x13 प्लस x23 प्लस x33 इक्वल टू b3 एंड फिर x14 प्लस x24 प्लस x34 इक्वल टू b4, जहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पे हम जो सामान बेच रहे हैं, हम जो भी हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी सोर्स है, वो हम जो यहाँ भेज रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम नेगेटिव तो हम भेज ही नहीं सकते, तो इस कंडीशन में ये हो गया है एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक रिलेशन होता है, वो होता है हमारे पास अगर हम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे दें, 2 3 4 5 6 एंड 7, अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 करें, तो इक्वेशन 7 आ जाएगी। अगर हम तीनों इक्वेशंस को इनको जोड़ के और इन तीनों इक्वेशन को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया है, जो Li जो सॉल्यूशन होंगे, Li इक्वेशन जो होंगी ओनली 6 होंगी, जैसे 7 हमारे पास टोटल इक्वेशन है, उनमें से Li इक्वेशन होंगी वो 6 होंगी। सो रिजल्ट आ गया हमारे पास ओनली 6 इक्वेशन आर Li, और नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल वो होंगे फ्रेंड्स, हमारे नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल जो होंगे 3 प्लस 3 सोर्स प्लस 4 डेस्टिनेशन
-1 = 6, क्योंकि हमारे पास एल आई जो है वो 6 ही है, तो ये हो गया। और नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास 12 - 6 = 6, क्योंकि टोटल वेरिएबल कितने हैं 12, या x11, x12, x13, x14 इनको जोड़ लें तो ये 12 हो जाएंगे। तो ये 12 - 6 = 6, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ BFS = 12C6, या 12C6 के BFS के जो नंबर होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ BFS होगा वो, इनका कॉम्बिनेशन होगा 12C6। अब हम एज ए जनरल रिजल्ट लिखते हैं फ्रेंड्स। जनरल में क्या होता है, जनरल में फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद एम सोर्स एंड एन डेस्टिनेशंस, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एम सोर्स है एंड डेस्टिनेशन है, तो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल होगा वो होगा m + n - 1। इसी तरह नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल वो होगा फ्रेंड्स m n - m + n - 1, ये होगा m n - m + n - 1। और मैक्सिमम नंबर ऑफ BFS वो होगा MNCM + N - 1, ये फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ BFS होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कई बार पूछे जाते हैं, बड़ी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो ये हमारे पास जो जनरल रिजल्ट है इसको हमें याद करना जरूरी होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।